हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैंगन फिश करी बनाने जा रहे हैं और इसमें जितने भी सामान दिया जाता है, देखिए ये हरी धनिया है और ये प्याज के पेस्ट है और इसमें सरसों, लहसुन और सूखा मिर्च और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, जीरा का पेस्ट है और ये टमाटर का पेस्ट है और ये दो बड़े टमाटर काट के रखी हूँ मैं और ये हरी धनिया है। ये आज हम बैंगन फिश करी बना रहे हैं। एक बार आप लोग भी ज़रूर देखिए बैंगन फिश करी बनाकर कैसा लगता है। थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बता रहे बैंगन फिश करी कैसे बनती है। पहले सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में, तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। इसमें थोड़ा मेथी के दाने डालेंगे। जब मेथी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें टमाटर फिर डालेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर को कुछ देर लाल होने देंगे। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए बैंगन फिश करी बनाकर, देखिए खाकर हमें बताइए किस तरह लगती है। टमाटर अच्छी तरह से लाल हो जाएगी तब इसमें हम मसाला डालेंगे। टमाटर हमारा लाल हो रहा है, देखिए किस तरह से भून रहा। अब इसमें हम प्याज के पेस्ट डालेंगे और ये टमाटर का पेस्ट है, सबको मिलाना है अच्छी तरह। अब इसमें हम एक चम्मच हल्दी डालेंगे। और एक चम्मच स्वाद अनुसार नमक। आप लोग भी बनाइए बैंगन फिश करी, एक बार घर पे ट्राई कीजिए। मैं तो हमेशा खाती रहती हूँ बैंगन फिश करी। आप कोई भी बैंगन इसमें कट करके डाल सकते हैं। पहले बैंगन को फ्राई कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने दिखाया इस तरह से बैंगन को कट करके फ्राई की हूँ। और ये आपका रेहू मछली है। अब इसमें हम मसाले के पेस्ट डालेंगे जिसमें सरसों, जीरा और लहसुन और सूखा मिर्च है, ये इसमें हम मिलाएंगे। सारे मसाले इसमें पड़ गए हैं। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है।
हम सबके घर में मछली बनती है, पर आप एक बार इस तरह से बैंगन वाली मछली बना के देखिएगा। थैंक यू। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें अब हम हरी धनिया डालेंगे। अब इसमें हम बैंगन डाल रहे हैं। और फ्राई की हुई फिश डाल देना है इसमें मछली। ये हमारा बैंगन फिश करी बन के तैयार है। इसको थोड़ी देर गरम होने देना है। तो दोस्तों, हमारा बैंगन फिश करी बन के तैयार हो गया है। आप सब भी घर पे एक बार ट्राई कीजिए। थैंक यू।